गाइस, आज हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस राजधानी के बीच में पहला रन कराने वाले हैं और दोनों में से देखेंगे कौन सी ट्रेन एक स्टेशन करती है और कौन सी ट्रेन अंतिम तक विनर होती है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर हम W37 के साथ राजधानी पुष्पुल के साथ और इधर हमारी इंडिया की नई नवेली दुल्हन वंदे भारत एक्सप्रेस भी है। एंड दोनों ट्रेनों के हम लोग पहले लिमिट रखे हैं 65 KMPH तक 1 किलोमीटर तक। एंड इसका अपने दोनों ट्रेनें फुल टोटल के साथ आगे बढ़ेंगी। तो यह मैं आपको LHB का पीछे दिखाता हूँ। यूजी राजधानी एक्सप्रेस की यूजी लगी हुई है और W37 कल्याण लोकोमोटिव सेट का और इंडिया की नई नवेली दुल्हन वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड गाइज, आपको क्या लगता है कौन सी ट्रेन पहले क्विक एक्सेलरेट करेगी एंड कौन सी ट्रेन विनर होगी। एंड हम चलते हैं 3rd AC कोच में और यहाँ पर कोच की काफ़ी अच्छी डिटेलिंग की गई है। विंडो से के आउटसाइड देख सकते हैं वंदे भारत। एंड हमारी रेस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है एंड दोनों ट्रेनों का साथ में स्टार्टअप होगा। एंड हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है, हम चलते हैं बाहर और यहाँ पर हमारी दोनों ट्रेन पार्लर में डिपार्ट कर चुकी है। एंड हमारी पुष्पुल राजधानी काफ़ी तेज़ी में यहाँ से क्विक एक्सेलरेट कर रही है। पुष्पुल राजधानी ने 50 KMPH का स्पीड टच कर लिया है एंड वंदे भारत भी 45 KMPH का स्पीड लिमिट पे है। पुष्पुल राजधानी काफ़ी तेजी से आगे निकल रही है। वंदे भारत ने भी अपने 65 KMPH का स्पीड लिमिट टच कर चुकी है। दोनों ट्रेन अभी 65 KMPH का स्पीड लिमिट को ब्रेक करने वाले हैं। ट्रेन को फुल थ्रॉटल पे यहाँ से डिपार्ट किया जाएगा। एंड जैसे ही वंदे भारत का स्पीड लिमिट हटा, फिर काफ़ी तेज़ी में यहाँ से आगे निकल रही थी और हम वंदे भारत के कैबिन में चलते हैं अंदर और यहाँ से आप देख सकते हैं पुष्पुल राजधानी को कितनी तेज़ी से ओवरटेक कर रही है। यहाँ पर काफ़ी आसानी से बनने पर ताली निकल रही थी। जब हमारे बनने पर काफ़ी आगे निकल चुकी है, इसलिए यार पुष्पुल राजधानी काफ़ी पीछे रह गई थी। सीआर राजधानी भी पुष्पुल काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रही थी। शायद से उसको यूलो से मिलना था, इसलिए वो अभी अपने 65 KMPH की लिमिट करती है। थोड़ी देर बाद हमारी पुष्पुल राजधानी भी वंदे भारत को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही थी। स्पीड 120 KMPH टच कर चुकी है। हमारी वंदे भारत 120 KMPH का स्पीड चल रही है और हमारी सीआर पुष्पुल राजधानी 160 KMPH का स्पीड टच कर चुकी है। एंड हमारी सीआर पुष्पुल राजधानी काफ़ी क्विकली एक्सेलरेट की। वंदे भारत अभी थोड़ी ही पीछे चल रही है एंड हमारी वंदे भारत अभी 143 KMPH का स्पीड लिमिट पे आ चुकी है।
को रोकने के लिए काफ़ी क्विक स्पीड कर रहा था। और स्पीड में तो आप सबको पता है हमारी वंदे भारत आगे हैं। सीआर राजधानी निकल चुकी है, वंदे भारत का भी बहुत दूर तक पता नहीं है। सीआर राजधानी के 160 किलोमीटर टच कर वंदे भारत में कुछ आते में बैठे हुए वंदे भारत का टच कर चुके हैं। सीआर राजधानी का 160 किलोमीटर टच कर चुका है, उससे आगे वो ट्रेन जा नहीं पा रही है 160 से। हमारी वंदे भारत ट्रेन काफ़ी पीछे नहीं रहे, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं हमारी वंदे भारत। एंड इसके अगले ही फ्रेम में कि हमारी वंदे भारत पुष्पुल राजधानी को टच कर पाएगी। एंड काफ़ी करीब आ चुके हैं हमारी वंदे भारत पुष्पुल राजधानी के। उसका 160 के ऊपर जो इसका स्पीड लिमिट लिया, काफ़ी तेज़ से स्पीड की है हमारी वंदे भारत। यहाँ पे 245 की पेज से स्पीड लिमिट टच कर चुकी है, 270 की पेज का स्पीड टच कर चुकी है हमारी वंदे भारत। हमारी रेस यहीं तक होगी, इसके आगे हम ब्रेक टेस्ट करेंगे। इसका ब्रेक सबसे पहले अप्लाई होता है, तो यहाँ से हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसकी 280 किमी पेज पर स्पीड ब्रेक अप्लाई हुआ है। एंड हमारी अभी सीआर राजधानी पुष्पुल, उसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कहाँ तक कौन सी ट्रेन पहले रुकती है। मैंने भी इस ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर दिया है। थ्री डी एनिमेशन आपको फुल रियलिस्टिक फील हो रही होगी, कोचे जैसे हिल रहे हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसमीटर जैसे। हमने इसमें 160 पर ब्रेक लगाया था और हमारी ट्रेन का स्पीड अभी 83 किलोमीटर की है। क्या हमारी देश की नई नई दुल्हन वंदे भारत भी अपनी स्पीड को कम कर पाई हो, उसको भी देखेंगे। वहाँ से मैंने ब्रेक अप्लाई किया था, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बाद हमारी ट्रेन नॉर्मल ब्रेक में थी, रुक जाते हैं। हम लोग चलते हैं वंदे भारत पर, देखते हैं कि उसने भी अपनी ट्रेन को ब्रेक लगा लिया है। सब कितनी आगे वंदे भारत चल गई है, ये तक बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। हमारी वंदे भारत कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। भाई साहब उसने ब्रेक लगाया भी था या नहीं, आपको क्या लगता है गाइस, वंदे भारत ने ब्रेक लगा था या नहीं? एंड फाइनली काफ़ी दूर आने के बाद मैंने वंदे भारत की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। एंड ये अभी भी स्पीड लिमिट का 130 किमी पी था। एंड अभी भी काफ़ी स्पीड जा रही थी, तो उसके इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं।
लोगों ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दी है 130 की पिच पे। इंडिया पे काफ़ी जल्दी स्टक कर चुकी है अपने आप को। प्रोसेस जहाँ से हमने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया था वहाँ से 400 मीटर मुश्किल से होगी। तो गाइस फाइनली ये पैरेलल रेस खत्म हुई एंड हमारी आज की क्विक एक्सीलरेशन विनर है WP7 पुष्पुल रधानी एंड टॉप स्पीड में विनर है वंदे भारत। एंड आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब।